हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम बैठे हैं बरामदे में और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करे, आपकी मनोकामना पूरी हो और हमें भी ऐसे आगे आप बढ़ाते रहिए। और चलिए, इधर आलू खा रही है सहजन की सब्जी। अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली को। टीवी चालू कर दे भगवान। इतना तेज़ आवाज़ की हो तो मेरा ब्लॉग कैसे बनेगा फिर। बोलो, मेरा ब्लॉग कैसे बनेगा। चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में और इसको दिखाते हैं ये कैसे खा रही है सहजन। आप लोग भी सीख लीजिए इससे खाना, आरू ही से, है ना आरू। जिसको जिसको नहीं आता होगा ना, खाना सीख जाएगा, है ना आरू, सिखा देगी आरू। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। इसके लिए टीवी चालू कर दें। गाइस देखिए, हाँ आरू खा रही है सहजन एक कटोरी भर के। तो भैया इसको बहुत पसंद है सहजन। तो यहाँ पे सहजन चल रहा है इनका। कैसे बना है, कैसे बना है? गंदा है, तभी सुबह से खा रही हो। दो बार हो गया, चबा चबा के बकरी है क्या? तीन बार हो गया। एक बार सुबह, हाँ, एक बार शाम को, एक बार। तो इसको बहुत पसंद है सहजन। इसके बाबा सही में बोलते हैं खानदानी बिटिया है, बाबा से कम नहीं निकलेगी, है ना। जो बाबा खिलाएंगे वही खाएगी। हम लोग इसको खाते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है। ना इसकी मम्मी को पसंद है ना हमें पसंद है। और ये देखो, चबा चबा के एकदम खा रही है। बकरी थी क्या? बकरी थी ना पिछले जन्म में। सफाई कौन वाला चावल पाई लगी है उसमें? हम भुला जाते हैं, भूलने वाली बीमारी जो मेरी है। जो चीज़ याद रहा तो वही जाती है, याद रहा नहीं सोच रहा। सब्जी छोड़ के वही चाल है, कितने दिन लगेगा सब्जी छोड़ के। यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ सही रहता है, ये यहाँ पंखा तेज चलता है। मेरे तो मरे हुए पंखे हैं, पता नहीं क्यों मेरे आगे वाले कमरे का पंखा एकदम धीरे चलता ही नहीं। पंखा हुआ जल लग गया। कौन लड़की आई थी? अरे लड़की लगी थी, आई थी मेहंदी लगाने। जब आई थी, हाँ आप नहीं थी जब आपने मई गई। मेरी गर्मी एक समय को गर्मी में शादी नहीं पड़ती जब गाँव में। तो गाइस अभी जा रहे हैं, चावल चालना है उसको। उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी टाइप का है, उसको निकाल लेते हैं, पड़ा हुआ है काफ़ी देर से। गर्मी में बस पंखा मिल जाए, बस पंखे कूलर के नीचे बैठे रहो। कुछ ना करो, हमारा तो खाने में मन नहीं करता। भुजिया बना दो आलू पर, भुंजिया अच्छा रहेगा। मसाला भी आज तो सुबह जो कांड हो गया ना मेरे साथ, इतना ज़्यादा बेकार लगता है। वही सोच सोच के ना दिमाग खराब हो रहा था। आज नवरात्रि है तो आज पैरों में कलर लगा लिए हैं, सब लोग लगाए हैं। हाँ, मम्मी प्रीति और लगाने वाली यही है आर्टिस्ट। हम सो रहे थे तो कहीं लाइए लगा दें तो अच्छा लगता है। त्यौहार व्यौहार में कलर लगाओ पैर में, तो हमेशा नहीं लगाते वैसे, लेकिन कुछ त्यौहार आता है तभी लगाते हैं। होली में सोच रहे थे लगाने की, मम्मी तबीयत सही नहीं चल रहा था, नहीं लगाया कहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। होली में नहीं लगाए थे? अच्छा, नहीं याद करे लगाने की सोच रही थी, मम्मी तबीयत देखने। तो बस लगा लिए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है ये। दिखाते हैं पैर एकदम काला, लेकिन दो तीन दिन चलेगा वैसे, हल्का रहता है ना तो फिर छूट जाता है जल्दी। चलिए बने रही ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ चावल चालने और इधर सब्जी कट रही है।
खाने की तैयारी हो रही है। बड़ी मम्मी ये कि बड़ी मम्मी चावल छान रही हैं नीचे, और चावल का बोरिया में ढेर सारा चावल नीचे छट गया है ढेर सारा। यहाँ पर मम्मी मोबाइल रखी है, यहाँ पर पापा स्कूल में बनाए, यहाँ चाचा पापा असम भैया, वहाँ मम्मी सब्जी काटी, वहाँ कूलर ढक्कन रखा, वहाँ पेड़ है, वहाँ एक और कूलर, एक और यहाँ सामने बने। तो गाइज यहाँ देखिए आरू लहंगा पहनी हुई है। ये कौन सी साड़ी है, नई डिजाइन वाली? ये दिल्ली में साड़ी बच्चों का ड्रेस सस्ती दिख रही है, वो वाली ना जो साड़ी चली है। हाँ बोल दे रहे हैं, जो दिल्ली में रहता है भाई इनकी बिटिया के लिए साड़ी लेते हैं आना। पला पला। कौन दिल्ली में रहता है बताओ? हमारी वो साड़ी लाना। मेरी मौसी बिटिया पहनी थी। साड़ी पहना नहीं। कहते मेरी चार चार मौसी हैं, सुन लो कोई जिसके कान में आवाज जाए भेज देना, जो सब वीडियो देखती है बता दे, बता दे। संदेश भेज रही है दिल्ली वालों, सुन लो बिटिया रानी इधर से आके खड़ी होके सामने बोलो, यहाँ से, यहाँ से बोलो, बोलोगी? ये कूलर खुला हुआ पड़ा है, अगले महीने सब 15 तारीख है, तो मेरी मौसी लोग सुन लेंगे दिल्ली वालों, इसके लिए साड़ी लेते आना, बहुत शौक शौक ही आती है साड़ी के लिए, इतना शौक है कि मेरा लहंगा पहनी है, मेरा दुपट्टा, अब पैर में कलर भी लगे, मार देंगे। तुम कब खरीदी? 8:30 ट्यूशन पढ़ लिए? नहीं, क्या है ये भी, ये पढ़ रहा है क्या? तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9 और वंश पढ़ के आ गया है ट्यूशन, और यश पढ़ रहा है, बाबू भी पढ़ लिया है अंशुमन, वो भी आ गया। तो सबके दिमाग में ना पुष्पा वाला एक्टिंग इन लोग के सवार है, मतलब जिसको देखो वही पुष्पा वाली एक्टिंग करता है। कैसे करते हैं पुष्पा वाली एक्टिंग करके दिखा दो, कैसे? ऐसे ऐसे पुष्पा वाली एक्टिंग, लेकिन पता नहीं वो फिल्म हम देखे ही नहीं, हमें समझ में नहीं आता है, एकदम अंधेरा मेरा रहता है, कंप्यूटर में डाली है देखती नहीं है। मैंने ये सिख वाली चूड़ी पहनी थी तो मम्मी के लिए नहीं डाली है, तो आज डाली है कांच की चूड़ी, और अभी हम नहा लिए हैं क्योंकि गेहूँ वो छाने थे ना, तो बहुत धूल वगैरह आ रहा था, इसलिए नहाते ही है, गर्मी आ रही है। ये पुष्पा है, तो गाइस आज ना सुबह सुबह मैं जो है उसमें मिक्सर जार में ना मसाला पीसने के लिए जार बैठाई, पता नहीं कहाँ से चूहा आ जाता है, उसमें लग रहा है ना छेद है, तो उसी में चूहा घुसा रहता है, तो चूहा भी उसी में, मतलब उसका उसकी आत्महत्या हो गई, कुश्ती कुश्ती क्या उसकी आत्महत्या हो गई, सुबह सुबह भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मुझे नहीं पता था, जाने में हुआ है। चलिए इस ब्लॉग पे एक समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है और रात भी हो रहा है, जा रहे हैं खाना खाने, बच्चा तो देने ट्यूशन से आ रहे हैं, तो नहीं आ रही, क्या पढ़े हो? ABCD। बस ABCD पे रहना अच्छा, तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर अच्छा लगा है ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।